Hello friends, friends आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी ये न्यूली मैरिड गर्ल्स के लिए मेकअप लुक जैसे किया है मैंने बहुत ही सिंपल वे में। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो जिसके लिए हमने सबसे पहले यूज़ किया है अपना प्राइमर जिसे हमने फिंगर की हेल्प से लेकर फुल फेस पर कर लिया है अप्लाई। देन हम इसे अच्छे से हम इसको अप्लाई कर लेंगे एंड इसके बाद हम अपना ऑरेंज करेक्टर करेंगे अप्लाई जो कि मैंने यूज़ किया है स्वीट ब्यूटी की अल्ट्रा पैलेट में से जो कि मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से जाता है। एंड इसे भी हम फिंगर की हेल्प से अप्लाई करने के बाद इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप पोर्शन में अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड ताकि कोई भी हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं वो डार्क सर्कल्स होते हैं ब्लैक हेड्स होते हैं वो हमारे आसानी से कवर हो जाएँ एंड हमारे जो मेकअप है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं अपना सेम पैलेट में से लेके 10 नंबर की शेड को लेंगे एंड फुल फेस पर फिंगर की हेल्प से अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से कर लेंगे इसको ब्लेंड। तो जो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर होता है वो हमें वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना होता है ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। तो उसे ब्लेंड करने के बाद हमने फर्स्ट 1 नंबर की शेड लेकर 4 हाईलाइटिंग के लिए यूज़ किया है जिसे हमने किया है नोज़ पर फोरहेड एंड अंडर द आइज़। हमने इसको करने के बाद अप्लाई करने के बाद हमने किया है इसको अच्छे से ब्लेंड। सो इसे ब्लेंड करने के बाद हम यूज़ करते हैं कॉम्पैक्ट जो कि होता है हमारा किसी भी मेकअप में हमें मेकअप को भी सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम करेंगे अपना सेम एन वाई वेव का कॉम्पैक्ट पाउडर जिससे कि मेरे मेकअप को बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाता है सेट। सो आप भी इस मेकअप को बहुत ही आसानी से ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आई मेकअप करने के से पहले हम अपने मेकअप को ताकि हमारा कोई भी फॉल आउट हो उसे अच्छे से करने के लिए हमने सबसे पहले कर लिया बेकिंग एंड हम इसी पैलेट में से सेम पैलेट में से स्वीट ब्यूटी की में से कोई आई शेडो अलग से यूज़ नहीं करेंगे सेम पैलेट में से अपने आई कलर लेंगे एंड उनको प्रेस करके अपने आई मेकअप को कर लेंगे अच्छे से क्रिएट। सो जिसके लिए हमने सबसे लाइट कलर लिया था पहले फिर उससे डार्क एंड देन हम लास्ट फेस में हमारे पैलेट में मेहरून कलर है उसको लेकर आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करने के बाद इसको अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। सो इसके बाद हम सेम पैलेट में से जिसको मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ करती हूँ उसे ही लेकर हम आई के मिड में अप्लाई करेंगे एंड देन हम सबको इसको भी हम अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड क्योंकि आई मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने दोनों आई मेकअप पे दोनों सेम कलर को कर लिया अप्लाई एंड देन हम कर रहे हैं सिमिली कलर को अप्लाई मिड में ताकि जो हमारा आई मेकअप है वो और भी ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लगे। सो इस तरीके से अप्लाई करने के बाद हम करेंगे अपना फ्लैट ब्रश लेंगे एंड आई बोन को भी कर लेंगे हाईलाइट। सो इसके बाद इन सबको अच्छे से अप्लाई एंड ब्लेंड करने के बाद हम अपने पाउडर को कर लेंगे रिमूव ताकि कोई भी फॉल आउट हो वो भी आसानी से रिमूव हो जाए एंड नेक्स्ट हम करेंगे लाइनर अप्लाई जिसके लिए मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का लिक्विड लाइनर। सो फ्रेंड्स कोई मैंने विल लाइनर या कोई भी अलग से कोई डिज़ाइनर लाइनर को अप्लाई नहीं किया है इसमें मैंने सिंपल गोल्ड लाइनर को अप्लाई किया है जिसे कोई भी गर्ल्स न्यूली मैरिड गर्ल्स आसानी से अप्लाई कर सकती हैं एंड आँखों पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी देख सकते हो लाइनर कितनी आसानी से मैंने कर लिया है अप्लाई एंड वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोनों आईज़ों पर हम सेम इसी तरीके से लाइनर को कर लेंगे अप्लाई। सो फ्रेंड्स मेरी थ्रेडिंग थी उनको हम कर लेंगे फिर जिसके लिए मैंने ट्रिक का अप्लाई किया जिसमें से मैंने जेल लाइनर को ब्रश की हेल्प से डायरेक्ट लेकर अपना आईब्रो को कर लिया फिर जिससे आपकी शेप भी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है और कुछ ज़्यादा अलग अलग नहीं दिखती है जैसे आपकी शेप होती है वैसे ही आपको दिखती है। सो अब हम सेम पैलेट में से स्वीट ब्यूटी की में से ब्राउन कलर लेकर पाउडर कलर लेकर फुल ब्राउनिंग कंट्रोलिंग के लिए इसको यूज़ करेंगे फोर हेड पर नोज जो लाइन पर एंड नोज पर। देन इसके बाद हम अपना ब्लश अप्लाई करेंगे वो भी हमने किया है स्वीट ब्यूटी की ही पैलेट में से ब्लश ब्रश लेकर। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपना ब्लश अप्लाई करें। सो फ्रेंड्स देख रहे हो आप मैंने कितना स्टेप बाय स्टेप करके आपको मेकअप सिखाने का क्या है ट्राई। सो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने अब कर रहे हैं लिपस्टिक को अप्लाई रेड कलर की जिसके लिए मैंने लिपस्टिक को अप्लाई किया है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप ब्रश की हेल्प के लिए आउटलाइन क्रिएट करें एंड देन आप मिड में से अंडर में इसको आप अच्छे से कर लेंगे फिल ताकि आपकी जो लिप्स की शेप है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रिएट हो जाए एंड आपकी लिपस्टिक ज़्यादा फैले ना।
तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से अच्छे से अपनी लिपस्टिक को कर लिया है अप्लाई, एंड वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो अब हमने अपने बालों को कर लिया है थोड़ा सा सेट। सो नेक्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं छोटी सी बिंदी एंड काजल, एंड हम लिपस्टिक की हेल्प से ही अपनी मांग को कर लेंगे, मांग को भर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने एक छोटा सा नक्का मंगलसूत्र को किया था अप्लाई आपको सिखाने के लिए कभी। तो फ्रेंड्स, मेरी अभी कोई शादी नहीं हुई है, ये बस मैंने आपको सिखाने के लिए ये सब किया है। सो इस तरीके से मेरा मेकअप लुक है वो हो गया है अच्छे से तिरजे। सो आप सभी देख सकते हो फ्रेंड्स कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे सिखाने का तरीका ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स।